अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कांग्रेस कर रही है वो निंदनीय है। और कांग्रेस दोगली नीति अपनाती है। जब चुनाव में गए थे तो उनके मैनिफेस्टो में यही वचन थे जिसका निर्णय अभी सरकार ने किया, जो बिल पास हुए वही तो बिल पास करने की बात उन्होंने कही थी। मनमोहन जी लगातार इस विषय पर बोलते रहे हैं, तो मनमोहन जी एक बोलेंगे, घोषणा पत्र में एक घोषणा करेंगे, संकल्प करेंगे, और अब किसानों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। ये कांग्रेस की दोहरी राजनीति है जिसकी भी लोग कर रहे हैं भर्त्सना, और इसीलिए कांग्रेस जनता से कट गई। कांग्रेस पूरी तरह से आज बेनकाब हुई। इसकी जितनी निंदा की जाए, ये कौन सा आंदोलन है कि ट्रक से आप अच्छा खासा ट्रैक्टर लाके उतारते हो और उसको जलाते हो, ये जानबूझ के टीवी का पब्लिसिटी लेने के लिए इस तरह का काम किया। मैं पत्रकारों को बधाई देना हूं जिन्होंने ये राज खोला, जिन्होंने ये सच्चाई दिखाई, और कांग्रेस पूरी तरह से आज बेनकाब हो गई जनता के सामने। यही कांग्रेस का आंदोलन है, और इसी तरह से वो किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसान गुमराह होने वाला नहीं है। किसानों को मालूम है खरीद शुरू हो गई है, MSP जारी है, APMC भी मजबूत है, और मजबूत तरीके से खरीद शुरू हो गई है, तो अब क्या बचा। और इसलिए ये गुमराह करने की कोशिश असफल रहेगी। जलाकर जो हत्या हुई है उससे पूरा राजस्थान हिल उठा है। थोड़े दिनों पहले बहरोड में पुलिस स्टेशन पर AK-47 से हमला करके अपराधी को छुड़ा ले गए दूसरे अपराधी, और आज तक उस अपराधी का पता नहीं चला है। बलात्कार तो आए दिन राजस्थान में हो रहे हैं, बूंदी हो, बांसवाड़ा हो, बाड़मेर हो, सीकर हो, जयपुर हो, इन सभी स्थानों पर बलात्कार की घटनाएं हुई, शर्मंदगी करने वाली। और ऐसे घटनाओं पर भी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। राजस्थान में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। राहुल गांधी को बाकी भारत दर्शन करने के बजाय राजस्थान के जिले जिले में जाना चाहिए, और वहाँ ये अपने सरकार से या तो इस्तीफा ले ले या सुधारने के लिए कवायद करे। वो कुछ नहीं करेंगे, केवल राजनीति करेंगे, तो ये राजनीति लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज उनका काम बनता है कि कांग्रेसियों पहले वहाँ दौड़ो, जाओ बांसवाड़ा में, बाड़मेर में, सीकर में, जयपुर में, बूंदी में, बारा में, और वहाँ जो बलात्कार की घटनाएं हुई है उन बलात्कार की घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाइए और एक्शन लेने को बाध्य करिए। जाओ बहरोड पे और वहाँ AK-47 चलाकर थाने से अपराधी भगाने वाले पुलिसों पर क्या कार्रवाई की है। और करौली में आज जो पुजारी की हत्या हुई है वो बेहद ही गंभीर मामला है, संगीन मामला है। इस पे सिंध राजस्थान लॉ एंड ऑर्डर हैज गॉन फॉर ए टॉस। टुडे इन करौली अ प्रीस्ट ऑफ ए टेम्पल वॉज बर्नड अलाइव बाय गून्स हु वॉन्टेड टू टेक पोजेशन ऑफ द लैंड बिलोंगिंग टू द टेम्पल। Recently in Behrod, yet another bizarre incident happened where criminals attacked the police station with AK-47. They fired from AK-47 and took away their accomplice with them, and still nobody has been found.
इन बारा, इन बांसवाड़ा, इन बाड़मेर, इन बूंदी, इन सीकर एंड जयपुर, एट ऑल प्लेसेस इन राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, एवरीवेयर देर आर इंसिडेंसेस ऑफ रेप. राहुल गांधी, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस एंड पॉलिटिकल टूर्स, ही शुड टेक अप दीज कॉग्निजेंस ऑफ दीज हीनियस क्राइम्स परपेट्रेटेड अगेंस्ट वीमेन एंड देन शुड अपोलोजाइज टू द पीपल ऑफ राजस्थान दैट देयर गवर्नमेंट हैज फेल्ड एंड शुड टेक एक्शन अगेंस्ट द कल्प्रिट्स बाय द गवर्नमेंट एंड इफ नॉट ऑन द गवर्नमेंट दिस इज वॉट वी डिमांड. That's a simple and important aspect of public life where he is failing very badly.